हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज दोस्तों हम एक काम करने वाले हैं, इन पीवीसी की पाइप को एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए आपको क्या क्या आइटम चाहिए होंगे। इस तरीके का एक पाइप चाहिए होगा, ऑफिस की कैप चाहिए होगी और दोनों तरफ की कैप चाहिए होगी। ऐसे हमारे पास 3 होने चाहिए, पार्ट्स 1, 2 एंड 3। और 1 फिट का होगा, 2 फिट का होगा और ये सबसे लंबा होगा 3 फिट का। तो टोटल आपको 6 फिट के आसपास आपको इस तरीके का एक पाइप चाहिए होगा। और इसका डायमीटर मैं आपको बता देता हूँ, नियरली 4 इंचेस के आसपास इसके डायमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें चाहिए होगा एक स्केल, एक मार्कर, थोड़ी सी थ्रेड चाहिए होगी और हमें चाहिए होगा इस तरीके का कुछ भी टाइप का कटर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ नियरली 5 to 6 आइटम हमें चाहिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो अच्छे तरीके से देखना, आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और ये गार्डन डेकोरेशन आइडिया, DIY कह सकते हैं आप, जो भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको गार्डन बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सबसे पहला काम होगा, हमें इस तरीके का एक स्केल लेना है और मार्कर लेना है। और हमारा सबसे छोटा जो पाइप है उसके अंदर हमें एक लाइन बनानी है और हमें वो पोर्शन कट करना है जहाँ पर हम प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ मार्क लगाते हैं। नियरली हमें 2 इंचेस के आसपास का कट लगाना है। तो अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। तो अब हमें स्केल के थ्रू मदद के साथ पूरी एक अच्छे से लाइन खींचनी है। इस तरह से 2 इंच का गैप रखना है हमें। ये वाला पोर्शन हम कट करेंगे। तो हमें करना क्या है, इस तरह से हमारे कैप को लगाना है। और दोस्तों, हमें कट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम दोनों पाइप पर निशान लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारे तीनों पाइप के ऊपर अच्छे से निशान लग चुके हैं। अब कट करने की बारी आ गई है। तो हम एक एक तरफ से हम कैप लगा देंगे जिससे हमारा पाइप ज़्यादा हिले ना, और हम कट करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने तीनों के तीनों पाइप कट कर दिए, 1, 2 एंड 3। अब हमें यहाँ पर ड्रेनेज होल करने हैं और यहाँ पर इतनी जगह हमें छोड़नी है दोनों तरफ से। आप इस तरह से लाइन लगा दें तो आपको ज़्यादा बेटर अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर यहाँ से नोट करेंगे आप, तो आपको सेंटर पकड़ना है जो यहाँ पर है। तो एक ड्रेनेज होल यहाँ पर होगा और यहाँ पर दोस्तों हम जो थ्रेड बांधेंगे, क्योंकि हम इसे हैंग करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर 3 होल करने होंगे, नियरली 3 होल करने होंगे। तो आप सेंटर पकड़ लीजिएगा, हमें सब में इसी तरीके से करना है। अब ड्रेनेज होल के लिए दोस्तों आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटेड टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रिल मशीन पड़ी हुई है तो मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। आप पॉइंटेड किसी भी चीज़ को, टूल को आप गर्म करके आप इस तरह से होल कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इनके अंदर होल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमें जो मशीन यूज़ करनी है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमें यूज़ करनी है और इस तरह से हमें ड्रिल मशीन अंदर की तरफ डालनी है। तो फटाफट मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ड्रेनेज होल बन चुका है और यहाँ से ही हम थ्रेड लगाएंगे। तो इस तरह से हमें होल करना है। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप किसी भी टूल की मदद से गर्म करके कर लें। सो फ्रेंड्स, हमने ड्रेनेज होल कर दिए हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमें थ्रेड बांधनी है। तो फर्स्ट का जो ड्रेनेज होल होगा
वो सेकंड पाइप के ड्रेनेज होल के यहाँ पर आकर एक गिठन बंधेगी, तो पाइप रस्सी हमारी फर्स्ट से सेकंड रहेगी और जो हमारा सेकंड वाला पाइप होगा वहाँ से यहाँ रहेगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो मैं सिर्फ एक यहाँ पर होल करना रहेगा। होल का हमेशा ध्यान रखें इक्वल पोजिशन में होना चाहिए, तभी ये अच्छे से हैंग होंगे। तो चलिए मैं एक यहाँ पर और होल कर देता हूँ, उसके बाद हम इसे टाई अप कर देंगे और हैंग कर देंगे। अब दोस्तों हमें इन तीनों पाइप्स को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए दोस्तों हम एक टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं थ्रेड की मदद से। हमने इस होल से थ्रेड डाला है और वो ये थ्रेड होता हुआ इधर से यहाँ होता हुआ यहाँ गया है और यहाँ से निकाल दिया है। अब इक्वली हम इसे कट करते हैं यहाँ पर। इस पाइप के जो ड्रेनेज होल मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इन दोनों ड्रेनेज होल में हम ये थ्रेड डालेंगे और एक लूप बना देंगे जिससे ये अटक जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करेंगे हमने दोनों को टाई अप कर दिया और ये एक दूसरे के साथ हैंग भी होने लग गए हैं। आप देखें इस तरह से ये हैंग होंगे और अब हमें सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ ज्वाइन करना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। मैं ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट नज़र आता है। दोनों तरफ से हमने कवर भी लगा दिए हैं, तो अब बस इसमें हमें सॉइल भरनी है और प्लांट लगाना है और इसको हैंग करके रखना पड़ेगा हमें। तो एक बार मैं हैंग करके भी बता देता हूँ आपको। हम हमारे पीवीसी के पाइप को इस तरह से लगाएंगे। आप एक चीज़ और नोट करें, हमने यहाँ पर एक ड्रेनेज होल लगाए थे, हमने एक और ड्रेनेज होल करा क्योंकि हमें ये वाला लूप चाहिए था। उसके लिए हमने यहाँ पर एक नोट टाई अप करा, यहाँ पर एक नोट टाई अप करा जिससे ये स्टेबल रहेगा, इसके साथ स्टेबल रहेगा, इसके साथ ये स्टेबल रहेगा। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल लुक ये रहा। चलिए सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं और सॉइल मिक्सचर बहुत ही लाइट बनाना है, उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है इसमें किसी भी प्लांट के लिए, और साथ में हम कोकोपीट और सॉइल यूज़ कर रहे हैं। 10% सॉइल रहेगी, 20% कोकोपीट है और बाकी का 70% हमारा वर्मी कंपोस्ट है। चलिए दोस्तों इसे लगा देते हैं हम हमारे जो हमने पॉट प्रिपेयर करा उसमें। फाइनली फ्रेंड्स, हमने इसमें सॉइल भी भर दी और बहुत लाइट मिक्सचर भरा है। आप देखें, अब हमें इसमें पोर्टुलाकास ग्रो करने हैं, मॉस रोज ग्रो करने हैं क्योंकि वो छोटी जगह में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास कुछ पुराने पोर्टुलाकास जिंदा है और कुछ हमने अरेंज कर लिए हैं। आप देखें कितने सॉइल से हमने उखाड़ उखाड़ के दिए हैं। तो चलिए सारे के सारे हम ग्रो कर देते हैं हमारे पीवीसी पाइप के अंदर। फाइनली हमने हमारे सारे के सारे पोर्टुलाकास लगा दिए हैं। अगर आप एक बार नज़र डालें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हमने रिसेंटली लगाए हैं तो ठीक ठाक लग रहे हैं। एक दो दिनों में ये जैसे ही रूट प्रोड्यूस कर लेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे और थोड़े ही दिनों में हेल्दी हो जाएंगे और हेल्दी होने के साथ साथ ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें वाटर डाल देते हैं और वाटर स्प्रे के थ्रू ही डालेंगे क्योंकि छोटी सी जगह है। फ्रेंड्स, 25 डेज़ में हमें हमारे पोर्टुलाकास मॉस रोज थोड़े थोड़े लंबे नज़र आने लग गए हैं और थोड़े थोड़े हेल्दी नज़र आने लग गए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ गई है, मतलब रूट्स अच्छे से इनमें डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर भी सारे के सारे स्टैंड अप पोजिशन में हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं। इसे कहते हैं दोस्तों खूबसूरत रिज़ल्ट। अगर टॉप व्यू से बेस व्यू तक देखें तो हमारे गार्डन में एक साइड कॉर्नर में ये ऐड टू द ब्यूटी है, और अगर आप भी चाहें तो सेम टू सेम बना सकते हैं। हालांकि हमने कटिंग जो लगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा समय ले रही थी, तो हमने एक्चुअल प्लांट्स लगा दिए पोर्टुलाकास, और ये इंग्लिश वैरायटी है जो कटिंग से ग्रो नहीं होती है। तो हमारे पास कुछ फ्लावर अवेलेबल है, कुछ ही दिनों में खिल जाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर कलियाँ ही कलियाँ नज़र आने लग गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी कलियाँ हैं। तो दोस्तों, होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर कुछ दिनों के बाद का आपको रिजल्ट चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हमारे इंस्टाग्राम पर फोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगा, तो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लव इट, इफ़ यू एंजॉय इट, जस्ट लाइक इट।